डियर स्टूडेंट्स इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे कि फाइलम प्लेटी की फर्दर फाइलोजेनेटिक कंसिड्रेशन्स क्या हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट व्यूज़ हैं फाइलोजेनेटिक्स का मतलब है कि इनका अपने प्रिमिटिव जो एंसेस्टर्स हैं उनके साथ क्या लिंक है इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो, जो जोलॉजी में टर्म्स है उसको हम कहते हैं एवोल्यूशन ऑफ प्लेटी हेलमेंथिस अब जोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं के प्लेटी हेलमेथिस जो है इनकी बॉडी फॉर्म इज़ सेंट्रल टू एनिमल एवोल्यूशन और उनका ये भी बिलीव है कि जो पहले वाले फ्लैट वर्म्स थे जिनको हम फ्लैट वर्म्स कहेंगे दे आर नॉर्मली सिमिलर टू दैट ऑफ द टर्बिलेरियंस अब इनका क्लैडोग्राम जो है उसको अगर हम देखें तो वो क्लैडोग्राम इस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज करता है कि इनके जो टैगोमेंट है दैट इज़ यूजुअली यूनिक किस तरह से यूनिक है कि इसकी एक सिन आ, सिन ऐपीमॉर्फी है जो कि इसकी तीनों क्लासेस को यूनाइट कर रही है मोनोजीनिया ट्रेमेटोडा और सेस्टोडा फिर सिन ऐपीमारफी जो है दैट इज़ शेयर्ड इसका ये मतलब है कि जो इसमें एवोल्यूशनरी डिराइव्ड करेक्टरिस्टिक्स हैं दे आर यू टू डिस्क्राइब दिस कॉमन डिसेंट अमंग टू आर मोर स्पीशीज अब जहाँ पे भी फायलोजनीटिकी फाइलोजिनी की बात आए तो आजकल जो सबसे लेटेस्ट टेक्निक्स है या जो लेटेस्ट टूल यूज़ होता है फायलोजनी के लिए दैट इज़ द मोलेकुलर टेक्सोनी इसमें भी जो इनका मोलेकुलर डाटा जब इकट्ठा किया गया तो मलेकुलर डाटा हमें ये बताता है कि ए जो फ्लैटफार्म हैं दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ द फाइलम प्लेटी हेलमेंट दे आर वेरी क्लोज टू फर्स्ट एंसेस्ट्रल बायलैटरल एनिमल्स और इनका ज़्यादातर एविडेंस हमें यह भी बताता है कि पैरासिटिक फ्लैटफॉर्म्स को हम एंशिएंट फ्री लिविंग एंसेस्टर्स के साथ लिंक कर सकते हैं और फ्री लिविंग और पैरासिटिक वे ऑफ लाइफ जो है दैट वॉज यूजअली स्टार्टिड इन कैम्बरियन पीरियड ऑफ लाइफ अ पीरियड ऑफ लाइफ दैट वॉज ऑलमोस्ट सिक्स हंड्रेड मिलियन ईयर्स अगो और जो फर्स्ट फ्लैट वर्म पैरासाइट थे दे वर प्रोबेबली असोसिएटेड विद प्रीमिटिव मोलस्क आर्थ्रोपोर्ड और एक इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि बाद में इन्हीं पैरासिटिक वर्म्स ने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एक्वायर किए और उनकी लाइफ साइकिल जो है फिर कॉम्प्लेक्स होती गई फिर गैस्ट्रोट्रिका हमें डिस्टेंट रिलेशनशिप शो करता है ए सिलोमेट्स के साथ फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे गेस्ट्रोट्रिक्स जो हैं इनके अंदर सिलोम या बॉडी कैविटी मौजूद नहीं होती ये मोनेशियस हैं स्मॉल हैं इनका जो वेंट्रल सीलिया है दैट इज़ नॉर्मली Derived from the ancestral sources such as उन sources को जो के हमें turbellarian flatworms में मिलते हैं यहाँ से इस diagram से इनकी phylogenetic considerations जो है उसको मज़ीद हम explain कर सकते हैं यहाँ पे आप देखे platyhelminthes इसकी ये different trematoda class cestoda class trematodes में ये डाइजीनिया मोनोजीनिया एस्पीडोगैस्ट्रिका और टर्बिलेरियंस। टर्बिलेरियंस आर नॉर्मली एनिमल्स दैट आर नॉट पैरासिटिक फ्री लिविंग अब इसमें आप ये इसके स्ट्रक्चर देखें नो लोकोमोट्रीलिया पोस्टीरियर एडहेसिव ऑर्गन ग्लैंड सिंगल ओवरी पेयर टेस्टिस वन होस्ट लाइफ साइकिल विद आर्थरोस्ट अब यहाँ पे अगर आप इन तीनों को देखें ट्रेमेटोड जो कि पैरासाइट्स हैं इनके क्या मेजर करेक्ट्रिस्टिक्स हैं फर्स्ट लार्वल स्टेज अमायरिकीडियम नो गट बिफोर रेडियल आर करकीरियल स्टेज स्पोरोसिस इन स्नेल होस्ट ओपरकुलेटेड एग्स इसका लाइफ साइकिल इज कम्प्लीटेड इन टू होस्ट मोलक्स एंड बर्टी ब्रेड्स एडहेसिव ऑर्गन्स या सकर्स मौजूद होंगे ठीक है ये एंडोपैरासाइट्स हैं और इसमें मोनोजीनिया जो है इसमें है लॉस ऑफ आर्थ्रोपोड होस्ट एक्टोपैरासिटिक हैं और इनमें ट्वेल्व टू सिक्सटीन हुक्स जो हैं दे आर नॉर्मली प्रेजेंट फिर हैं सेस्टोड लेकिन अल्टीमेटली आप देखें दे हैव आ कॉमन एंसेस्टर एंड कॉमन फाइलोजेनी तो इसको हम कह सकते हैं जितने भी प्लेटी हेलमें की डिफरेंट क्लासेस हैं दे आर Showing us a good example of phylogenetic considerations, an important tool in the evolution or history of this Platyhelminthes.